दोस्तों, अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को जो है 5 मिनट देके आप पूरा देखिए, क्योंकि आज जिस दो शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दोनों शख्सियत जो है यूट्यूब पे जो है सरताज हैं, और हो सकता है कि वो दोनों अपना यूट्यूब वीडियो या कि यूट्यूब चैनल जो है वो क्विट कर दे, यानी कि वो छोड़ सकते हैं। सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए, जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारे हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट। जय। तो क्या है इनके छोड़ देने की वजह, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक दोहे के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परी रहन दो म्यार। तो इस दोहे का मतलब मैं आपको बता दूं कि इस दोहे में कहने का मतलब ये होता है कि जो साधु होता है उनसे उनकी जाति नहीं पूछी जाती है, उनसे उनका जो है गुण पूछा जाता है, यानी ज्ञान लिया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से जो है तलवार का जो मोल होता है वो उसकी सजावट जो होती है म्यान की उससे नहीं होती है, चाहे तलवार की म्यान फटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर का जो तलवार है, उसका जो लोहा है वो कितना मजबूत है, वो कितना चमकदार है, वो कितना जो है पावरफुल है, जिससे कि हम उसे यूज कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। जी हाँ, मैं इसलिए इस दोहे को यहाँ पे लाया हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ जो है खान सर के बारे में, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, या अगर नहीं सुना है तो मैं उनकी लिंक जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनकी आप वीडियोस देखिएगा। और ये वीडियोस इतनी अच्छी है कि आप चाहे किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप जो है प्रोफेशनल ऑलरेडी है, या फिर हो सकता है आप ऐसे ही जनरल नॉलेज, आप जो है ज्ञान चाहते हैं कि आपका इंक्रीज हो, बढ़े, तो ये भी उनकी वीडियो जो होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ तक कि मैं खुद जो है अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है, जो हंसी मजाक उनका जो तरीका है, जिस तरह से वो समझाते हैं, वो जो है सीधा यहाँ से जो है दिल से होते हुए दिमाग पे असर करती है, और वो काफ़ी जो है हेल्पफुल होती है। जहाँ बच्चे जो है एजुकेशन को काफ़ी बोरिंग मानते हैं, हिस्ट्री हो या बहुत साइंस की बातें हो, बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, वहीं जिस तरीके से, जिस सलीके से जो है खेल खेल में, हंसी मजाक में जिस तरह से वो जो है बता देते हैं, जो कि काफ़ी जो है नॉलेजेबल होता है, तो इस तरह के जो वीडियो बना के, यानी कि आज से पहले जो जो जो, जो एजुकेशन थी वो हम लोग भी पढ़े थे, तो हम लोग अफसोस करते हैं कि एक खान सर जैसा जो है सर हम लोग के साथ क्यों नहीं थे, उस समय ऐसे वीडियोस क्यों नहीं थे, तो हो सकता था कि आज हम उनके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से जो है और भी ज़्यादा हम कोई अच्छे पोस्ट पर हो जाते, क्योंकि उनकी जो नॉलेज गेनिंग है वो भूलने नहीं देते। वो आप अगर कोई भी चीज़ को भूलने की कोशिश करेंगे ना, तो वो इस तरीके से उसको एक कहानी की तरह, एक हंसी मजाक में, एक फिल्म के डायलॉग के तरह, किसी सॉन्ग के तरह जो है इस तरह से आपके दिमाग में भर देते हैं कि वो चीज़ जो है आपको कंठस्थ याद हो जाती है। तो मैंने उनकी वीडियो कल रात को ही देखी थी, जिसमें उनको जो है ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल इस बात के लिए किया जा रहा है कि उनके नाम को लेके, कि उनका नाम क्या है। अरे भाई, उनका नाम जो भी है आपको इससे क्या मतलब है, आपको नॉलेज लेनी है ना, आपको उनके जो है जानना है, तो उनके शख्सियत के बारे में जानिए, उनके काम जो है वो कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से वो जो है समाज में जो है जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कि आज के कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC, रेलवे या IAS के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स को पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो है यूट्यूब पे वीडियो देख के फ्री क्लासेस करके जो है अपना एजुकेशन ले रहे हैं, और जो है काफ़ी जो है अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उन
टीचर के बारे में जो है अगर कोई ट्रॉल करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर कल को वो जो है अपना जो है आपके ट्रॉल के वजह से अगर हो सकता है वो अपना जो फैसला बदल दे यूट्यूब पे जो है वीडियो डालने का, हमें यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो गुरु है। महाभारत में भी गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर जो है दुर्योधन ने जो है शक की उंगली दिखाई थी कि आप जो है पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुरु जो होते हैं वो किसी का पक्षपात नहीं करते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और बिरादरी से हो, किसी भी अमीर या गरीब या किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ गुरु होते हैं और वो जिस भी काम को करते हैं पूरे निष्ठा के साथ करते हैं। तो हमें तो उम्मीद है कि वो जो है अपना जो है ये शिक्षा देने का जो कार्य है वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग का भी काम है कि उन्हें सपोर्ट करिए और जो है ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए। महाभारत में भी गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर जो है उनके शिष्यों ने जो है आरोप लगाया, जो कि दुर्योधन थे, आरोप लगाया कि आप जो है पक्षपात करें। गुरु जो होते हैं अपनी मर्यादा जानते हैं और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते, चाहे वो जाति धर्म रंग रूप किसी भी प्रकार से हो, गुरु जो है कभी भेदभाव नहीं करते। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको उसी श्रद्धा के साथ उसी रिस्पेक्ट के साथ उनको जो है हम आदर करें, ताकि वो जो है अपने ज्ञान से जो है लोगों को जो है सचेत करते रहे, लोगों में ज्ञान बांटते रहे, क्योंकि ये लोग धरोहर है। अगर ये लोग जो है हमारे इस तरह से YouTube प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते हैं तो हम लोग को पैसे दे के ऐसे ज्ञान लेना पड़ेगा और जो है जो एजुकेशन माफिया होते हैं उनके साथ जो है आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों का सपोर्ट करना, ना कि इन्हें ट्रोल करना। हम लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, ताकि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है। लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चलते बनते, चलिए कोई बात नहीं, वो भी ये चलता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो लोग रिस्पेक्टेबल है, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो ट्रोल मत कीजिए, ताकि जो है उन लोगों को जो है वीडियो बनाने में जो है खुशी हो, वो सर्व करते हैं, उनका जो है हौसला बढ़े। और मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके ऊपर बहुत ही बाहियात तरह के वीडियोस होते हैं, लेकिन उनके लाखों में व्यूज होते हैं, लाखों में उनके सब्सक्राइबर होते हैं, और पता नहीं लोगों को क्या लगता है उन सब मतलब चैनल को बढ़ावा। कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग ऐसा कंटेंट को प्रीफर करते हैं तो वो लोग ऐसा कंटेंट लाते हैं और वो लेते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि भाई सब्सक्राइब करो तो उनको लगता है कि हमारे जेब से पैसे चले जाएंगे, कि अगर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया, अरे हमारे कुछ वीडियोस देखोगे तो आप ना सही, कम से कम आपके बच्चे या किसी के साथ हाथ में फ़ोन जाता है यूट्यूब खोलेगा तो उसके सर्च हिस्ट्री में कुछ ज्ञान की बातें आएंगी। अगर आप वैसे चैनल्स की वीडियोस देखते हैं तो उनको जो है आपके बच्चे के ऊपर, आपके फैमिलीज के ऊपर, जो भी कोई आपका फ़ोन देखता है तो सर्च हिस्ट्री में उसी तरह के वीडियोज आएंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इसलिए जो अच्छे चैनल्स होते हैं उनको जो है लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको सपोर्ट करना है इन दो शख्सियत को भी तो आप जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मैसेज को जो है इस वीडियोस को जो है अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉरवर्ड करें। तो खान सर जो है बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, मैंने उनकी जो वीडियो देखी कल रात को और जो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उनको जो है उनके नाम के लेके जो ट्रॉल दिया जा रहा था, मैं पूरे चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत है। पूरे जो है टीचर फैमिली, पूरे स्टूडेंट्स और हम सब उनके साथ सपोर्ट में, अगर आप भी सपोर्ट में हैं तो जो वीडियोज़ को जो है लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हम जैसे लोगों को भी जो है थोड़ा सा हिम्मत मिले कि आप सब लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हमारे फैमिली की तरह है। तो उनके आंखों में जो है आंसू आ गए हैं और वो आंसू जो है देने का काम हम लोग ने किया है, तो हम लोग जो है उनको जो है रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगर जो है टीचर्स जो है गुरु होते हैं, गुरु पूर्णिमा भी हाल ही में ख़त्म हुआ है, अगर एक टीचर को जो आप लोग रुला देते हो तो फिर आप लोग जो है समझ सकते हो, ये सब के ऊपर एक तरह का जो है ऐसा पाप होता है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर हम बात करते हैं संदीप महेश्वरी की, यानी कि एक खान सर है जो कि छोटे से बच्चे से लेकर हर तरह का लोगों का भविष्य बनाते हैं, उसे कैसे लाइफ में जो है आगे बढ़ना है उनकी सीख देते हैं, उनको वो सिखाते हैं। वो एक तरफ जो है उनको ट्रोल करके उनको जो है यूट्यूब क्विट करने पर मजबूर कर रहे हैं लोग,
और एक तरफ जो है संदीप महेश्वरी है, वो भी जो है अपना हाल ही में जो है अनाउंस किया है ट्विटर के अकाउंट से कि जो है वो हो सकता है कि यूट्यूब पे जो है अपना वीडियोस डालना बंद कर दे। अब वो वीडियोस क्यों डालना बंद कर देंगे, सबसे पहले हम संदीप महेश्वरी सर के बारे में बात कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी सर वो शख्स हैं जो कि एक युवा पीढ़ी से लेकर हर उम्र के बच्चे तक को जो है उन्होंने लाइफ में जो है टूट चुके होते, हताश हो चुके, किसी की जॉब चली जाती, किसी को जॉब नहीं मिल रही होती है, किसी का जो ब्रेकअप होता है, किसी का बहुत से बड़ा बिजनेस में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको वो जीने का मकसद सिखाते हैं। तो एक तरह से वो भी जो है हम लोगों के लिए मोटिवेशनल गुरु भी हैं और जो है ऐसे शख्सियत जिन्होंने कभी यूट्यूब सेमिनार्स या बड़े बड़े कोई भी जो है प्रोग्राम करते उसमें कभी फीस नहीं लेते और उसमें जो है फ्रीली कोई भी इंसान जा सकता है। तो ऐसे शख्सियत जो होते हैं उनको भी यूट्यूब पे जो है यूट्यूब से जाने का जो उन्होंने फैसला किया, वो फैसला क्यों किया उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। यूट्यूब की नई पॉलिसी 1 जून 2021 से लागू होने जा रही है जिसमें यूट्यूब का कहना है कि अब जो आप वीडियो बनाते हैं चाहे वो आपका मोनिटाइज के लिए इनेबल है या नहीं, मोनिटाइज मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है तब आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको जो है चैनल पर ऐड दिखाया जाएगा और आप जो है उस ऐड से जो है पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपके चैनल पे कोई ऐड नहीं दिखाया जाएगा। तो 1 जून से जो है नया नियम आ गया जिसके तहत कि आप चाहे जो है एलिजिबल हो या चाहे ना हो YouTube आपके वीडियोस पे जो है ऐड दिखाएंगे, यानी आपके परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कंटेंट पे ऐड ऑटोमेटिक आएंगे। तो संदीप महेश्वरी कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहे, हमारा काम है मोटिवेशन देना। मोटिवेशन देने का मतलब होता है कि हम जो सेमिनार अटेंड कर, मतलब जो हम सेमिनार में हैं, कॉन्फ्रेंस में है, जिसमें हम लोगों को एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर समझा रहे हैं, उस बीच में अगर आपका ऐड आ जाता है तो वो जो है माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ध्यान भंग कर देता है। आप खुद सोच के देखिए, आप जिंदगी से बहुत निराश है, आप बहुत परेशान है, आपका बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका है या आप बहुत कुछ ऐसा खो चुके हैं और आपको हम उस टॉपिक पे बात करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बीच में एक ऐड आ जाता है कि आप BMW कैसे खरीद सकते हैं, आप ये आईफोन कैसे खरीद सकते हैं, आप जीवन बीमा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपना ये क्यों नहीं कर रहे, इस तरह के जो ऐड आ जाते हैं स्विगी जोमैटो ये वो बहुत तरह के ऐड आ जाते हैं। तो इस तरह के ऐड जो है आपको जो है इनअप्रोप्रिएट लगेगा, यानी कि एक तरह का ये मेडिटेशन एंड योगा तरह का है। तो संदीप सर का जो है हम आपको जो लेटर है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने यूट्यूब को ओपन लेटर लिख के एक सजेशन दिया है, एक पीसफुली प्रोटेस्ट किया है इंडिया में कि आप एटलीस्ट ऐड चलाने ना चलाने का जो है डिसीजन पूरी तरह से क्रिएटर पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग अपना रिसोर्स देते हैं, हम लोग अपना टाइम जो है देते हैं इस पे और इसके वजह से ही आपका जो है कंटेंट बनता है। आप अपने आप में कुछ नहीं हो, यूट्यूब पे जब अगर क्रिएटर ही नहीं होगा तो यूट्यूब को देखेगा कौन, उस पे आपको जो है इन्वेस्टर कहां से आएंगे, आपको रेवेन्यू कहां से आएंगे। तो एटलीस्ट जो है आफ्टर ऑल जो है क्रिएटर ही सर्वोपरि है, मतलब जो क्रिएटर का है इम्पोर्टेंस होना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सर्विस है उसके लिए आपको पैसे चाहिए, आप जो है कुछ ऐसा प्रीमियम दीजिए या कोई सब्सक्रिप्शन दीजिए कि हम लोग कुछ हजार रुपए दे दें और उसके बाद हम अपने ऑडियंस को एड फ्री जो है वीडियोस प्रोवाइड करें, ये भी एक अच्छी तरह की पहल है और बहुत सारे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, यूट्यूबर हैं या यूट्यूब देखने वाला इंडियन है, जो भी है, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आप इसको जो है शेयर करके उनके जो है आत्मसम्मान को जो है ठेस मत पहुंचाएं, उनको जो है सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर करिए। हम जैसे क्रिएटर तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारी बात वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, अगर आप लोग करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे और जो है यूट्यूब इस पे एक्शन लेगी कि जो है क्रिएटर के राइट्स में कुछ प्रोग्राम हो। अगर ऐसा होगा तो मोनोपोली हो जाएगा और यूट्यूब चाहेगा तो जो चाहेगा वही करवाएगा, भाई मानो तो ठीक है, नहीं तो आप चलते बनो, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना पावर दिखाना है, ऑडियंस का पावर दिखाना है, क्रिएटर का पावर दिखाना है कि हम हैं तभी आप हैं साहब, नहीं तो आपका कोई यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो वीडियोस को लाइक करिए, जो है हैशटैग यूज करिए, हर जगह पोस्ट करिए। संदीप महेश्वरी सर जो है हो सकता है कि 1 जून 2021 से जो है अब यूट्यूब पे अपने वीडियोस नहीं लाए, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो परोसेगी ही, एडवर्टाइजिंग जो है वो चैनल पे दिखाएगी चाहे आप चाहे या ना चाहे, और अगर आप यूट्यूब प्रोग्राम में नहीं है तो उनका पैसा भी जो है वो खुद ही रखेगी। तो इसके लिए जो है वो चाहते हैं कि जो है यूट्यूब को ऐसी पॉलिसी लाए जिससे जो है उनके मर्जी के बिना जो है चैनल पे कोई एडवर्टाइजिंग ना डाला जाए,
और जो है उनका चैनल जो है एड फ्री रहे, और जो है वो किसी भी स्पॉन्सर से पैसे नहीं लेते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते तो पैसे नहीं लेते हैं, तो ऐसे में ये लॉस किसका है? यानी कि अगर वो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं लाएंगे तो किसका लॉस होगा? वो यूट्यूब का होगा या हमारे जैसे ऑडियंस का होगा जिनको वो मोटिवेट करते हैं? फैसला आपको करना है कि किसके साथ है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है यूट्यूब को जो है अपना पॉलिसी में थोड़ा चेंजेस करना पड़े और जो है सपोर्ट करें। दूसरी बात है कि जो है संदीप सर को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई मेरे साथ में कोई क्रिएटर जो है, हमारे जो है छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, ये ऑडियंस है, उनको चाहते हैं। अगर यूट्यूब जो कोई पॉलिसी नहीं लाती है तो 100% गारंटी है कि हो सकता है कि संदीप सर जो है अपना यूट्यूब चैनल जो है उस पर जो है वो वीडियोज़ अब ना डालें। उनके इसके लिए जो है उन्होंने जो है SMTV यानी संदीप महेश्वरी TV नाम से जो है वो एक अपना चैनल लाने वाले हैं जिस पे जो है आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, यूट्यूब हर किसी के पास है और यूट्यूब के पास जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे वो ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, यानी कि जो नहीं भी जानते हैं उनके पास भी जाते हैं, तो ऐसे में जो है SMTV जो है उनका उस पर थोड़ा जा पाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी जो लोग नहीं भी जानते हैं संदीप महेश्वरी सर को और वो जब टेंशन में होते हैं, जब वो कुछ हताश होते हैं और वो सर्च करते हैं मोटिवेशन के लिए, तो उनका नाम ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और तो खान सर और संदीप महेश्वरी के लिए जो है एक संदेश पहुँचाइए कि वो लोग अपना जो है वैल्यूबल टाइम और जो है एफर्ट हम लोग के साथ शेयर करते रहे और हम लोग ऐसे ही मोटिवेट होते रहे, अच्छा अच्छा नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।